जी बिल्कुल, स्कॉटलैंड का शुमार जो है दुनिया के खूबसूरत तीन ममालिक में होता है। इसके जो हाईलैंड्स हैं यानी कि जो बालाई इलाके हैं वो अगरचे बहुत ऊंचाई पर हैं और यहाँ पे ठंड भी काफ़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है साल भर जो है ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। जाड़े की आमद के साथ ही स्कॉटलैंड की जो वादियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, उन्होंने बर्फ़ की जो है चादर ओढ़ ली है। इसके साथ ही जो है मुख्तलिफ ममालिक से जो है सयाह स्कॉटलैंड के इन पहाड़ी इलाकों का रुख करें। आज मेरे साथ वेल्स से आने वाली एक जो है टूरिस्ट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको स्कॉटलैंड की जो पहाड़ हैं वो कैसे लगते हैं और यहाँ पर वो क्या एक्टिविटीज करती हैं। सो टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट ब्रॉट यू टू स्कॉटलैंड। Well, hello. My name is Llinos. I have been coming to Scotland for many years. I think it's so beautiful. It's actually one of the last great wilderness parts of the UK. It's one of the few places where you can truly escape the cities, modern life, the stresses of living in the cities and the towns. And it's truly wild, as you can see all around us. And there's just a mass of land and lots less people and way more mountains than in any other part of the UK. The best idea is to go out in the morning and make the most of the daylight hours because we have shorter days in the winter. So if you leave around 9 o'clock in the morning and make sure you're back for around 4 p.m. The best thing to do is to go out and walk, depending on the weather. And then later on in the day, you need to be sitting in front of a cozy fire and possibly trying some whiskey. एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। जी आप सुन रहे थे खीनोस, जो वेल्स से आई हैं, खसूसी तौर पर स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स का जो है वो दौरा करने। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हिल वॉकिंग के बहुत सारे मौके हैं, पहाड़ों में चलने की बातें हैं, और जिस बर्फ बर्फ पोश जो पहाड़ हैं उनकी नज़ारों से जो है वो इंसान महसूस हो सकता है। जी